वो इस्लाम का निजाम ज़कात नहीं है। और वो इस्लाम का निजाम ज़कात कैसे हो सकता है जिसमें हमारी इज्जत माब माहें बहनें और बेटियां मंगता बनके और मंगती बनकर 50-50 दरवाजों और दफ्तरों के तवाफ करें, अपनी गुर्बत की तस्दीकें करवाएं लोगों के पास जा जाकर, अपनी बेवगी और यतीमी और बेसहारगी की तस्दीकें करवाएं फार्मों पर जा जाकर, कसमें खा खा कर, और दफ्तरों में जाएं और धक्के खाएं झिड़के खाएं, और 3-3 महीने की कोशिश काविश के बाद 200-300-400-500 रुपए के चेक लाएं और आटे के 2 टुकड़े भी ना सकें, और फिर अगले महीने फिर उसी प्रोसेस में चलें, तीसरे महीने फिर उसी प्रोसेस में चलें, और सारी उम्र इसी मंगते बनने और सवाली बनने में कट जाए। आप इसे इस्लाम का निजाम ज़कात बावर कराना चाहते, और वो निजाम इस्लाम नहीं हो सकता जिसमें इंसानियत का वकार मजरू हो जाए, जिसमें आदमियत की इज्जत मजरू हो जाए, जिसमें इज्जत माँ माए बहने बेटियां साइल बनकर लोगों के दरवाजों पर हाथ फैलाती फिरें। वो निजाम न निजाम ज़कात है, वो निजाम न निजाम इस्लाम है। इस्लाम किसी को मंगता बन के चलने जीने का हक नहीं देता। आओ तुम्हें मैं बताऊं,